ओ सजनी रे। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की एक्स पत्नी किरण राव को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल उनकी फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रस्तुति के रूप में चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस घोषणा ने फिल्म उद्योग और दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। चयन समिति ने फिल्म की असाधारण कथा और कहानी कहने की शैली की प्रशंसा की, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह ऑस्कर जूरी को भी पसंद आएगी। आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्म की टीम ने अपार खुशी और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोमांचित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह एक अविश्वसनीय यात्रा है और हमें उम्मीद है कि हमारी फिल्म लापता लेडीज जूरी और दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लेगी। आपको बता दें कि लापता लेडीज अब उन फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है जो पहले ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसके नामांकन को कलाकारों और क्रू की कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल लगा दिया था। आपको बता दें कि फिल्म का चयन उसकी दमदार कहानी की वजह से किया गया है। गौरतलब है कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज की शुरुआत काफी कमजोर रही थी, लेकिन धीरे धीरे फैंस को फिल्म की कहानी पसंद आई। आमिर खान प्रोडक्शन की इस फिल्म ने अपनी अनूठी कहानी के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर बनी इस फिल्म ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से ये इस साल की सबसे चर्चित फिल्म में से एक बन गई। रिपोर्ट की माने तो 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने की। अब फाइनली फिल्म की ऑस्कर 2025 में एंट्री हो गई है। इस खबर के सामने आने के बाद वे लोग काफी खुश हैं जिन्होंने लापता लेडीज फिल्म देखी है। गौरतलब है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 फिल्मों की लिस्ट भेजी थी। कमेटी के सामने पहुंची 29 फिल्मों की लिस्ट में से एनिमल और आटम जैसी फिल्मों भी शामिल हैं। ये आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी चौथी फिल्म है जिसे ऑस्कर में जगह मिली है।